आज की नैतिक कहानी सोने का अंडा देने वाले हंस की कहानी। ए शॉर्ट स्टोरी इन हिंदी फॉर किड्स। दोस्तों, आज मैं आपको सोने का अंडा देने वाले हंस की कहानी लिखने जा रही हूँ और साथ में इस कहानी को मैं आपको सुनाऊंगी भी। आशा है आप इस कहानी को ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे और अगर लिखना चाहें तो लिखकर भी समझ सकते हैं। दोस्तों, आप अक्सर अपने घर में दादी और नानी से कहानी सुनते होंगे, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं भी एक सीनियर सिटीजन हूँ और इस कहानी को लिखने के साथ साथ मैं इसको आपको सुना भी रही हूँ। दोस्तों, पढ़ने और सुनने के अलावा अगर आप इस कहानी को लिखकर अभ्यास करते हैं तो आपकी हिंदी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और हिंदी भाषा पर आपकी पकड़ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, अब हम इस कहानी को सुनाना शुरू करते हैं। लेकिन इस कहानी को सुनाने से पहले इसका नाम एक बार फिर से जान लेते हैं। सोने का अंडा देने वाला हंस, नैतिक कहानी हिंदी। दोस्तों, एक बार एक गांव में एक हंस पालन करने वाला अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह हर रोज बाजार में जाकर हंस खरीदता और घर आकर उनकी देखभाल करता था। हर दिन की तरह वह बाजार से एक हंस खरीद कर लाया। वह सब हंसों की तरह उसे भी बहुत प्यार से पालने लगा और धीरे धीरे वो हंस तंदुरुस्त हो गया। कुछ महीनों के बाद उस हंस ने अनोखा बहुत सुंदर अंडा दिया, जिसको देखने के बाद व्यापारी और उसकी पत्नी दोनों ही हैरान रह गए, क्योंकि वह अंडा सोने का था। वह हंस हमेशा यानी हर रोज सोने का अंडा देता और पति पत्नी उसे बेचकर खूब सारे पैसे कमाते। लेकिन यह क्या दोस्तों, सोने के अंडे को देखकर उनके मन में लालच बढ़ने लगा और व्यापारी ने सोचा कि अगर ये हर रोज एक सोने का अंडा देता है तो उसके अंदर यानी कि दोस्तों उस हंस के पेट में और कितने सारे अंडे होंगे। यह सोचकर उन्हें एक तरकीब सूझी और उन्होंने हंस को बड़ी बेरहमी से मार डाला और जब उसका पेट चीर कर देखा तो उसमें एक भी अंडा उन्हें नहीं मिला, जिसके बाद वो दोनों बहुत रोए। ओहो, सीख, लालच बुरी बला है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें लालच कभी नहीं करना चाहिए। लालच करने से इंसान अपना सब कुछ गंवा देता है। दोस्तों, आपने इस कहानी सोने का अंडा देने वाला हंस को सुनकर क्या सीखा और आपको यह कहानी कैसी लगी? इसके अलावा आपको कैसी कैसी कहानी पसंद हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमें अवश्य ही बताएं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के बहुत सारे वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो अवश्य ही कर लें। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल प्रार्थना।
थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।